इस कंडक्टर की गुड़े बात का अगर अंदर देखा जाए, अगर बेटा बात का कंडक्टर तो डेफिनेटली बेटा बात का इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सोर्स तो होता ही। पर जब गुड़े बात करें इस कंडक्टर की टर्मिनल पर, गुड़े बात का कोई बैटरी को अप्लाई नहीं किया, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो गुड़े बात के इसके अंदर जो बेटा हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एलिमेंट क्या होते जाएंगे, पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है बेटा बात कर ये एलिमेंट कैसे होते हैं, जल्दी बताओ गुड़े बात कर, ये कैसे होते, फिक्स्ड होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, स्टैटिक, मतलब ये मूवेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना। ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन थी। अब जब गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे होंगे तो वो मोशन कैसे कर रहे होंगे बेटा, रेंडम। कोई इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर नीचे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई बेटा बात का इलेक्ट्रॉन गुड़े बात का इधर जा रहा है, समझ पा रहे, कोई इलेक्ट्रॉन बेटा बात करे कहाँ जा रहा है, गुड़े बात कर, समझ पा रहे, ऊपर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गुड़े बात का पता है इधर जा रहा है, इस तरीके से। पर अगर ओवरऑल देखा जाए बेटू बात करें, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, इसके इफेक्ट को ये कैंसिल करेगा, बात समझ में आ रही है कि यार। तो ये वाले गुड़े बात कर रेंडम हमारे पास क्या मोशन चलता रहता, मतलब ओवरऑल किसी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्टिविटी देखो तो जीरो रहेगी। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन दीदी करंट भी बनाता है, पर गुड़े जो नेट करंट आएगा बेटा बात करें सभी इलेक्ट्रॉन के जोड़ करके वो कितना आएगा, जीरो आएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखना था, क्योंकि गुड़े बात करें एक इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर रैंडम मोशन कर रहा है तो दूसरा भी रैंडम मोशन कर रहा है, समझ पा रहे हो। अगर मैं केवल एक इलेक्ट्रॉन का बेटा इफेक्ट देखूँ तो जैसे अपने कहा गुड़े बात किसके अंदर क्या होते हैं, कैटायन होते हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैटायन है बहुत सारे, कैटायन है ये, है ना, कैसे स्टैटिक है, मतलब नॉन मूवेबल है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुड़े बात का ऐसे टकराया और इसने गुड़े बात क्या बताया इलेक्ट्रॉन को, कहाँ गुड़े बात क्या बताऊँ, डिफ्लेक्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया गुड़े बात कर, यहाँ पे टकराया इस गुड़े बात कर कैटायन, इसको गुड़े बात का किस डायरेक्शन गुड़े बात के भेज दिया, इस डायरेक्शन में, बस समझ पा रहे क्या कह रहे, कुछ कह रहे। अगर बेटा बात का इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते गुड़े बात कर यहाँ टकराया, उसके बाद गुड़े बात किसने इसको इस डायरेक्शन में गुड़े बात क्या बताया क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर ऐसे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है बेटा बात का डिफरेंट डायरेक्शन में, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाली कंडीशन है। आपने सबसे पहले बेटा बात कर रहे नाम दिया गुड़िया क्या, मीन फ्री पाथ, क्या बोला है, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है बेटा बात करें, मीन फ्री पाथ जिसको अपन किससे लिखते हैं, लैम्डा से। लैम्डा क्या होता है बेटा बात करें, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच की दूरी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, पहला कोलिजन यहाँ पर हुआ और दूसरा कोलिजन यहाँ पर हुआ, दो बार कैटायन से टकराने की गुड़े बात करें पता है, बीच में उसने जितनी भी डिस्टेंस चली, पहली टक्कर दूसरी टक्कर फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन के बीच में वो जितना भी गुड़े बात चला उसका, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, फर्स्ट गुड़े बात कर, जल्दी बोलो, फर्स्ट फ्री पाथ। फिर गुड़े बात की क्या है बेटा बात का सेकंड फ्री पाथ, समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में गुड़े बात का कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो ये अलग अलग बेटा बात के हमारे पास क्या दी जाएंगी बेटा बात के, जल्दी बोलो, पाथ, जल्दी बोलो क्या आएगा, पाथ लेंथ आ जाएगा, मीन फ्री पाथ थोड़ी बोलेंगे, पाथ गुड़े बात करें, हाँ चलो ठीक है मीन फ्री पाथ बोल दो, ये फर्स्ट मीन फ्री पाथ है, ये सेकंड मीन फ्री, मतलब मीन फ्री पाथ है, या इसको अपन बोल सकते बेटा बात करके पाथ लेंथ, अरे बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं। ओवरऑल बेटा बात करें इन सभी को जोड़ा जाए, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ऐसे बहुत सारे बार ये गुड़े बात करे कॉलिजन करेगा, एक सेकंड के अंदर तो गुड़े बात करिए पता है लाखों बार कॉलिजन कर जाएगा, कई टक्करों से गुजर जाएगा। तो मुझे गुड़े बात करे पता है क्या चाहिए, मीन फ्री पाथ चाहिए। मीन फ्री पाथ बेटा बात करे क्या होता है, एवरेज गुड़े बात करे क्या होता है, पाथ लेंथ होती है। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी बेटा बात करें पता है पाथ लेंथ को गुड़े जोड़ो और जितनी बार कोलिजन हुआ उसका क्या करो, डिवाइड करो, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री अपॉन एन आ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, लैम्डा। अकेले दीदी हमने ये देखा कि सभी कुछ करने के बाद, सभी बेटा बात करें पता है पाथ लेंथ जोड़ने के बाद और बेटा बात करें टोटल नंबर कोलिजन लगाने के बाद जो मुझे एक एवरेज बेटा बात करें क्या मिला, एवरेज पाथ लेंथ मिली, वो गुड़े बात करें क्या मिली, लैम्डा। और लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर गुड़े बात करें क्या माइनस गुड़े बात कर 9 मीटर, ऐसी को अपन ने बोला था बेटा बात करके 10 यंगस्ट्रॉन्ग, क्या बोला था, 10 यंगस्ट्रॉन्ग, बात समझ पा रहे। सेकंड आपने देखा था बेटा बात करें यहाँ पर क्या, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, क्या देखा था कि थर्मल वेलोसिटी देखा था, थर्मल वेलोसिटी, बिल्कुल थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी बोलो गुड़े बात करें, या जल्दी बोलो थर्मल क्या बोल सकते हैं बेटा, स्पीड बोल सकते हैं इसको, थर्मल वेलोसिटी या थर्मल स्पीड, इसको अपने VT से रिप्रेजेंट किया था, याद है। और इसकी वैल्यू अपने गुड़े बात करें क्या निकाली थी बेटा बात करें, √3 गुड़े बात कर पता है KTYm, ये निकाला था कि नहीं निकाला था, इसको अपने ओवरऑल सॉल्व किया था बेटा बात कर, तो हमारी वैल्यू क्या आई थी इसके लिए, जल्दी बोलो थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू, 10^5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या था, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे बेटा बात करें इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर को गुड़े बात करें गेन करके जितनी स्पीड से गुड़े बात करें क्या करते हैं बेटा बात करें, मोशन करते हैं, उस स्पीड का नाम क्या था बेटा बात करें, थर्मल वेलोसिटी, समझ पा रहे हो, कौन सी वेलोसिटी बेटा बात करें,
इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ गुडे बात करें पता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गुडे बात करें बाय द गेनिंग ऑफ टेम्परेचर गुडे बात करें फ्रॉम बेटा बात का एनवायरनमेंट समझ पा रहे तो उसकी वैल्यू ये थी। अपने पूरा ओवरऑल सॉल्व किया था मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तो मैं भी वो काम करनी है काम करके बोले इतना बेटा कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है थर्मल स्पीड क्या होता है वीटी इज टू रूट थ्री के टी वाई एम इसकी जो ओवरऑल वैल्यू निकाली थी वो निकली थी बेटा बात करके हमारे पास 10^5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड बेटा बात कर अभी अपन ने क्या निकाला बेटा बात कर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या निकाला रिलैक्सेशन टाइम पीरियड रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को अपन गुड़े बात करें क्या बोलते हैं बेटा बात करें रिलैक्सेशन टाइम पीरियड गुड़े बात के बिल्कुल मीन फ्री पाथ का गुड़े बात कर पता है पैटर्न है रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। अच्छा टाइम पीरियड की गुड़े बात का डेफिनेशन तो अपन को बहुत अच्छे से आती है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ये बहुत अच्छे समझ में आता है। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड को अपन बेटा बात करें रिप्रेजेंट करेंगे इससे टाउ से किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा टाउ से प्रदर्शित करेंगे है ना विश्रांति काल बोलते इसको। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड क्या होता है फिर से आपको वही बोलना पड़ेगा बेटा बात करें क्या होता है किसी भी गुड़े बात का पता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में बेटा बात कर पता है क्या लिया गया है गुड़े बात करके एवरेज टाइम हो सकता है गुड़े बात का देखो जरा अगर यहाँ बेटा बात का दो हमारे वजह से चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ना जाता और ये इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर पता इस कैटाइन के द्वारा इस डायरेक्शन में गुड़े बात कर पर डिफ्लेक्ट किया जाता मतलब मोड़ा जाता तो यहाँ से गुड़े बात कर यहाँ तक जब वो आया थोड़ी ज़्यादा दूरी तय की यहाँ से यहाँ तो और कम की फिर जब यहाँ से यहाँ जाता बेटा ज़्यादा दूरी तय करता डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको ओवरऑल ये तो फिक्स है। अगर गुड़े बात करें दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात कर लंबी दूरी तय करनी पड़ी तो उसका टाइम भी क्या लेगा वो ज़्यादा लेगा अगर बेटा बात करें कम दूरी तय करनी पड़ी तो क्या करेगा समय भी वो क्या लेगा कम लेगा। तो गुड़े बात कर यहाँ पे भी हमको क्या करना है बेटा ऐसा ही करना है हमारे पास जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है क्या होता है द टोटल टेक इन टाइम गुड़े बात कर पता है वाई आ इलेक्ट्रॉन या गुड़े बात कर चार्ज पार्टिकल फॉर गुड़े बात कर कह के लिए यह बेटा बात कर बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन द टोटल टेक इन टाइम बाय इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन दो बेटा बात कर पता है लगातार टक्करों मुझे गुड़े बात कर दो टक्करें नहीं चाहिए आप पहले ये देख लो पहले ये टक्कर दूसरी टक्कर हाँ पहली ये यहाँ टकराया उसके बाद जहाँ भी अगले टकराए तो ये दो लगातार टक्करें हो गई। आप इस टक्कर को ले रहे हैं तो इसके साथ या तो ये ले सकते हो इसके साथ या तो ये ले सकते हो क्योंकि दीदी बात कर इसके बाद यहाँ टकराया था तो ये एक लगातार है अदरवाइज इसके पहले यहाँ टकराया फिर यहाँ टकराया तो ये भी क्या है सक्सेसिव है। तो किन्हीं भी दो गोलू बात का पता है लगातार टक्करों के बीच में लगातार बेटा बात करें पता है सक्सेसिव कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया गया बेटा बात करें टाइम को अपन क्या बोलते हैं उसका रिलेशन। लेकिन गुड़े बात का पता है कोई भी आप बेटा बात करें दो टक्करें देख लो उनके बीच का टाइम ले लो तो गुड़े बात करें वो टाइम पीरियड होगा बेटा बात का रिलेशन टाइम पीरियड नहीं होगा। टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी काम को करने मुझे दीदी बात कर कितना समय लग रहा है टेक इन टाइम बेटा बात कर बाय एनी ऑब्जेक्ट फॉर द गुड़े बात कर कंप्लीशन ऑफ बेटा देयर वर्क समझ पा रहे आपको यहाँ दीदी बात कर क्या बोल रहा है यहाँ बोल रहा है मुझे बेटा बात का एवरेज मतलब मुझे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ने गुड़े बात करें पर यूनिट टाइम में जितनी भी टक्करें की समझ पा रहे सबके समय को काउंट किया अपने बेटा बात करें पता चला गुड़े बात करें टाइम पीरियड की बताओ हमारे पास वैल्यू क्या आ रही बोलो गुड़े बात करें फर्स्ट टक्कर में कितना समय लिया T1 सेकंड में कितना लिया T2 थर्ड में कितना लिया T3 इस तरीके से अलग अलग लग रहा है और अपन 1, 2, 3 लिख रहे हैं इसका मतलब समय दीदी अलग है और टोटल बेटा बात करें अपन क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आ जाएगा नहीं आ जाएगा टाओ इसको टू गुड़े बात कर अपन क्या करते हैं एन को बाहर निकाल देते हैं तो 1/n गुड़े बात कर हमने कॉमन ले लिया और बेटा बात कर टाइम गुड़े बात कर चेंज करते किसमें रिलैक्सेशन गुड़े बात का पता है मतलब मीन फ्री पाथ में और बेटा बात कर किसके अंदर जल्दी बोलो बेटा थर्मल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन दीदी बात का वेलोसिटी आ जाएगा स्पीड आ जाएगा तो वो लिखो गुड़े बात का अपने क्या लिखा T1 की जगह λ1 अपॉन बेटा बात करें VT और आपको पता है बेटा बात कर ये क्या फिक्स है थर्मल वेलोसिटी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्लस बेटा बात करें क्या आएगा λ2 अपॉन क्या आ जाएगा VT प्लस बेटा बात करें λ3 अपॉन क्या आ जाएगा VT अरे बात समझ में आ रहा है इस तरीके चलता रहेगा। अब गुड़े बात करें क्या करो बेटा बात करें कि VT को कॉमन ले लो क्योंकि सब VT एक जैसा ही है बाहर निकालो गुड़े बात करें और n को अंदर ले जाओ तो हमारे पास क्या आ गया τ = 1/VT गुड़े बात करें इनटू जल्दी बोलो λ1 + λ2 + λ3 गुड़े बात कर एंड सो इस तरीके से लेते जाओ अपन क्या है गुड़े बात कर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जरा इसको देख के गुड़े आपको लग रहा होगा ये है क्या ये बेटा बात कर मीन फ्री पाथ है क्या बेटा बात करें मीन फ्री पाथ समझ पा रहा टोटल गुड़े बात करें पता है क्या ट्रेवल डिस्टेंस अपन गुड़े बात कर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मतलब मुझे एक बार सिर्फ इसको गुड़े बात कर लगातार सारे को एक साथ देखना है उसके बाद मुझे इसको दोबारा पढ़ना ही नहीं है बस समझ में आ रहा है बस आपको गुड़े बात के पहले इसको उठाना है फिर तुम्हें इसको उठाना है फिर इसको उठाना है फिर गुड़े बात कर इसको अपन किसको उठाएंगे डिफ्रेंट वेलोसिटी को उठाएंगे चार चीज़ें गुड़े बात उसके बाद कुछ है ही नहीं।
तो बेटा बात करें लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री, मतलब गुड़े बात करें ओवरऑल, गुड़े बात करें टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, बेटा बात करें समझ पा रहे, इस कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो गुड़े बात करें इसलिए हमने क्या लिख दिया बेटा, लैम्डा लिख दिया। अगर लैम्डा लिखेंगे तो बताओ गुड़े बात करें टाओ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टाओ इसको गुड़े आ जाएगा वन अपॉन वी टी इंटू बेटा बात करें क्या आ गया, जल्दी बोलो लैम्डा। अपन ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन गुड़े बात, जल्दी बोलो क्या आ गया, वी टी। अब लैम्डा की वैल्यू अपन को बहुत अच्छे से पता है बेटा बात करें, क्या लिखी थी आपने, 10^-, गुड़े बात करके 9 मीटर लिखा था, मतलब दो गोलू बात का पता है सक्सेस है, कोलिजन के बीच में चली गई एवरेज डिस्टेंस थी है। अपन बेटा बात करें पता है दो कोलिजन में गुड़े के बीच में लगा गया लगा समय, ये गुड़े बात का पता है स्पीड, समय अपन को निकालना है, डिस्टेंस आप बेटा ले चुके हो, स्पीड गोलू ले लो, स्पीड क्या दे रखी थी याद है कुछ, अपने इसकी बन निकाल दी 10^5 मीटर पर सेकेंड, 10^5 मीटर पर सेकेंड। थर्ड स्टेप बेटा कहाँ चलाएगा, फर्स्ट स्टेप में मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, गुड़े बात के नीचे का बेटा बात के प्लस ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगा, -5 -9 गुड़े जुड़कर क्या बन जाएंगे, 10^-14 बेटा बात करें क्या सेकेंड। तो ये क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, क्या आ गया बेटा बात करें, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है क्या दीदी, बात करें एवरेज टाइम पीरियड कहाँ पे, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। आप भी गुड़े बात कर दो लगातार कोई काम कर रहे हो, वो आपके गुड़े बात का रिलेक्शन टाइम पीरियड हो गया, समझ में आ रहा है। जैसे आपने एक बुक को पढ़ा हो, बुक में गुड़े बात के 10 पेज आपने पढ़े, पता चला पहले पेज में गुड़े आपको 5 मिनट लगे, दूसरे पेज में कुछ 6 डेरिवेशन थे उसने 15 मिनट खींच लिए, तीसरे पेज में गुड़े बात का सब कुछ याद ही था तो अपने सिर्फ उसको देखा पलटा 1 मिनट लगा, ऐसे ओवरऑल अपने देखा कि 10 पेज पढ़ने में सब में अलग अलग समय लग रहा है, तो आपका एवरेज टाइम पीरियड क्या लगा, कि मतलब मुझे ये पता चला कि मैंने 1 घंटे के अंदर बेटा 10 पेज निपटाए, 1 आवर में अपने 10 बुक के पेज निपटा दिए। आपको अब ये देखना है कि आपको ओवरऑल दीदी बात करें एवरेज टाइम कितना लगा बेटा बात करके इसमें 1 पेज पढ़ने में, तो अपन क्या करेंगे सबका टाइम बेटा लेंगे, अपन गुड़े बात करें बाय 10 कर देंगे, समझ पर 10 पेज पढ़े ना आपने, तो इसका मतलब 60/10 किया आपने, 1 आवर मतलब 60 मिनट अपॉन 10 कर दिया, मतलब 1 गुड़े बात करें पेज में लग ओवरऑल कितना लगा 6 मिनट करीब, जबकि आपको पता है 1 पेज में आपको 15 मिनट भी लगे थे और 1 पेज में आपको बेटा 1 मिनट भी लगा था याद है कुछ, लेकिन गुड़े बात करें अपन यहाँ पे ना मैक्सिमम की बात करें ना मिनिमम की, मैं बात किसकी कर रहा हूँ एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो वो गुड़े बात करें यहाँ पर एवरेज है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको गुड़े बात कर देखो एक बार अच्छे से ठीक है। अब गुड़े बात के इसमें देखो जरा कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या लिखा है बेटा बात करें, कंक्लूजन किसकी बात कर रहे थे बेटा बात कर, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट बेटा बात कर क्या अप्लाइड कहाँ पे, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, जब कंडक्टर की सरों पर आपने गुड़े बात करें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई नहीं किया, तो गुड़े बात करें पहला हमारे पास क्या निकला कंक्लूजन बेटा बात करें, जल्दी देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें सो रैंडम मोशन गुड़े बात करें इनसाइड ऑफ कंडक्टर, ये बात तो सही है अपने देखा ही था, क्योंकि गोलू बात करें इनको कोई बेटा बात करें पता है पाथ प्रोवाइड करने का रास्ता दिख ही नहीं रहा था, इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहे थे पर इलेक्ट्रॉन को ये नहीं ना पता, अगर बैटरी लग जाए बेटा तो पता है इलेक्ट्रॉन को पता है कि मुझे कहाँ जाना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ मोशन करने लगेंगे, जो गुड़े बात करें कैटायन है, अगर कैटायन गुड़े बात करें हमारे पास कैसे है फिक्स्ड है बेटा बात का नॉन मूवेबल है नॉन मोटाइल है, तो गुड़े बात करें पता है इनके ऊपर भी एक फोर्स लगता है ये मोशन करें ना करें, अगर ये मूवेबल है तो ये कहाँ जाएंगे बेटा बात का लो पोटेंशियल की तरफ, और अगर ये बेटा बात करें हमारे पास क्या है इमूवेबल है नॉन मूवेबल है तभी गुड़े एक फोर्स तो लगेगा ना इन पर, और इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा बात का बताओ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पर गुड़े बात का एक डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, तो लेकिन अभी अपन ने कहा गुड़े बात की जब मैंने व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंसेस बेटा बात करें अप्लाई बिटवीन द गुड़े बात करें क्या ये बिटवीन टर्मिनल ऑफ गुड़े बात करें कंडक्टर अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कंडक्टर लिखा है पहले गुड़े बात करें रैंडम मोशन ऑफ गुड़े बात के फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन सो बेटा बात करें रैंडम मोशन इनसाइड ऑफ कंडक्टर, पहले ये याद रखना इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है रैंडम है और रैंडम की वजह से मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा नेट, दूसरा गुड़े बात करें लिखा है देखो नो करंट बेटा बात करें मीन्स जीरो करंट ऑप्टेन गुड़े बात करें ड्यूरिंग द बेटा बात करें दिस मोशन, समझ पा रहा इस टाइप के मोशन के दौरान गुड़े बात करें बताओ तुम्हें कितना करंट मिला जीरो, मैंने करंट की बात की क्या मैडम नहीं की, करंट क्या इसके समय पैदा नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन गुड़े बात के जिस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन पैदा हो रहा है करंट हो रहा है, लेकिन गुड़े बात कर जितना करंट इसका है उसी समय गुड़े कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया होगा और वो ऊपर जा रहा होगा, बात समझ में दोस्त, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन के गुड़े बात कर अपोजिट डायरेक्शन में जो मोशन हो गया जिसकी वजह से गुड़े बात कर इस कंडक्टर का नेट करंट कितना हो गया जीरो, इसलिए गुड़े बात के इस केस में अपन ने करंट किसकी बात नहीं की करंट की, लेकिन जब बेटा अपन क्या करेंगे किसी कंडक्टर के सरों पर कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे फिर गुड़े बात क्या पता है सभी इलेक्ट्रॉन की या सभी गुड़े बात कर पता है पॉजिटिव चार्ज कैरियर की एक डायरेक्शन में गुड़े बात कर मोशन होगा, तो गुड़े आपको रिजल्टेंट करंट मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा बात करें रिजल्टेंट करंट मिलेगा, तो वहां पर करंट देखेंगे करंट डेंसिटी देखेंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है, चलो गुड़े बात करें तो ये दो चीज़ें बेटा बात के हमारे पास हो गए। अब हमारे पास आते गुड़े बात करें कहाँ पे थर्ड पर देखो सेकंड हमारे पास क्या है